किसी ने क्या खूब कहा है, राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था, हर दर्द में जीना सीख गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी दर्द भरी जरूर है, मगर हमें बहुत ही गहरा संदेश देती है कि हमें अन्न की बर्बादी या अपमान नहीं करना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अन्न का अपमान। एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। नहीं, इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था, सो भूख से रोए जा रहे थे। माँ माँ, कुछ खाने को दो ना, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ दो ना। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और गुड्डू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था, एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांग कर अपना और बच्चों का पेट पाला, लेकिन ये कब तक चलता। लोगों ने मदद करना बंद कर दिया। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। गुड्डू तुतलाती आवाज में बोला, क्या लाई हो मां, जल्दी से खिला दो, बली भूख लगी है। मां रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि मां के पास कुछ भी नहीं। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर गुड्डी बोली, मां ये गुड्डू कब मरेगा, पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है। मां ने डांटते हुए बोला, मां जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था, गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना। गुड्डू की बातें सुनकर मां की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पास गुड्डी की बात का कोई जवाब न था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए, जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें आज अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन चूंकि हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती, इसीलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते। एक दिन, बस एक दिन भूखा रहकर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। चलिए हम प्रण करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी भी होटल जाकर दो लोगों के बीच चार लोगों को खाना नहीं मंगाएंगे। चलिए अन्न को बचाएं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इनकी सचमुच जरूरत है। दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी हमें सिखाती है कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और जितना हो सके जो जरूरत की चीज हो खाने की उसे लें और बर्बाद न करें, क्योंकि जब बचेगा तभी बटेगा। इसके लिए प्रतिदिन सुबह
5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।